नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। जैसा कि पहले ही बताया दिया गया था कि हम हिंदी के कुछ प्रमुख टॉपिक जो कि यूपी पुलिस के पिछले सालों में कई बार रिपीट हुए हैं और रिपीट होने के चांसेस हैं, वैसे टॉपिक को लेकर आएंगे। तो आज प्रस्तुत हैं आपके सामने उसी टॉपिक को लेकर के। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात की जाए हिंदी के सबसे प्रमुख टॉपिक, तो लगभग 20 टॉपिक हैं। अब आप कहेंगे ये तो सारे टॉपिक सर आप तो लिख दिए हैं, तो यार लिखा तो सब जाएगा क्योंकि आते तो सबसे हैं क्वेश्चन। लगभग 20 टॉपिक हैं, क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, लेकिन अब इनमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाए इसमें है क्या क्या चैप्टर, पहले ये जान लीजिए। वर्णमाला, विराम चिन्ह, लिंग, वचन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, तद्भव तत्सम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, संधि विच्छेद, वाक्य त्रुटि, वर्तनी, दोनों एक ही शब्द होते हैं, समास, वाच्य, अव्यय, काल, रस, छंद, अलंकार, रचना, लेखक और गद्यांश। ये तो हो गए सभी टॉपिक। अब इन टॉपिक में से प्रमुख क्या है, कहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से केवल एक क्वेश्चन आता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर ज़्यादातर क्वेश्चन की बात की जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके गद्यांश से। गद्यांश से अगर क्वेश्चन आएंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मेन फोकस करना है पहला गद्यांश। गद्यांश के लिए आपको नहीं पता है कहाँ से आता है, लेकिन आप आदित्य पब्लिकेशन का किताब देखेंगे तो उसमें भी पीछे देखेंगे तो अपठित गद्यांश रहता है। तो आप ज़्यादा नहीं केवल 5 से 6 सेट लगा लेंगे उसका, तो एक आंकड़ा लग जाएगा आपको कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या हमको लगाना है, इसका शीर्षक क्या हो सकता है, भावार्थ क्या हो सकता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करनी है, क्या किताब में दिया है। इससे आपका क्लियर हो जाएगा, एक पैटर्न मिल जाएगा आपको कि किस तरह से हमको गद्यांश को हल करना है। तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको गद्यांश को देना है। दूसरा आपको रचना एवं लेखक, क्योंकि इससे लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ लेगा कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है, या फिर मुंशी प्रेमचंद द्वारा किन किन पुस्तकों को लिखा गया है, या फिर पूछ देगा जयशंकर प्रसाद द्वारा इनमें से कौन सा नहीं लिखा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये भी 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हिंदी है और हिंदी में ही पूरे लेखकों का ही सार संग्रह है, तो उनसे क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। अलंकार से आपके मात्र 1 क्वेश्चन आते हैं, लोग इसे डर जाते हैं। कई अभ्यर्थियों का मेरे कमेंट में देखा सवाल कि सर अलंकार नहीं आ रहा है, अलंकार के लिए कुछ बताइए। तो अलंकार के लिए डरना नहीं है, अलंकार 1 क्वेश्चन आएगा। अब 1 क्वेश्चन के लिए आप एकदम सर पकड़ के बैठ जाएँ अच्छी बात नहीं है, अलंकार 1 क्वेश्चन आएगा। आप चाहेंगे तो कुछ नहीं, आप केवल एग्जाम्पल याद कर लेंगे ना, फिर भी आपका अलंकार हो जाएगा। जैसे कुछ कुछ अलंकार 3 बार खाती है, ए वाला हो गया, यम केमक हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, आप कुछ ट्रिक देख लेंगे तभी आपका अलंकार पूरा सही हो जाएगा। तो ये हो गए कठिन टॉपिक, जैसे अलंकार इससे लोग डरते हैं। 1 क्वेश्चन आता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप छोड़ देंगे अलंकार फिर भी 36-37 क्वेश्चन में से 1 तो जाएगा, फिर भी आपका 35 तो रहेगा, 35 क्वेश्चन बहुत होता है। अब बात की जाए वाच्य अव्यय, ये 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चे जानते भी नहीं हैं, पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं, जबकि वाच्य से क्वेश्चन हर साल आए हैं। ऐसे उदाहरण दे देगा कि मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, तो एक कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तव्यवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको लगाना है, अगर आपको समझ में आएगा ठीक, नहीं तो मेरे द्वारा वाच्य जब पढ़ाया जाएगा, आप देखे होंगे मेरे प्लेलिस्ट में तो 10 चैप्टर हिंदी का ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, उसके बाद भी अभी बाकी चैप्टर आने वाले हैं। तो वाच्य से क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बने हैं। जैसे राम खाना खाता है तो कौन सा वाच्य हुआ, कर्तव्यवाच्य हुआ, कर्मवाच्य हुआ, भाववाच्य हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको आपको पढ़ लेना है, किसी भी टीचर से पढ़िए लेकिन पढ़ना है। फिर अव्यय, अव्यय भी आपको पढ़ना है। उसके बाद काल तो आपको पता ही होगा, जैसे इंग्लिश में होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी तरह से हिंदी में भी होता है। काल में मेन आपको ये जानना है कि प्रेजेंट के कितने भेद होते हैं, मतलब वर्तमान काल के कितने भेद, भूतकाल के कितने, भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, पहले ये जान लीजिए, उसके बाद आगे फिर डिटेल में देख लीजिएगा आप, वीडियो पढ़ा है ऑलरेडी। फिर अगर बात करें वर्णमाला, वर्णमाला बहुत ही ईजी होता है। वर्णमाला में कुछ नहीं, आपको स्पर्श व्यंजन जानना है, अघोष सघोष, अंत अस्त, मतलब मेन चीज टॉपिक जो है वर्णमाला, पहला एक चैप्टर होता है। आप कोई भी किताब उठाएंगे, लुसेंट उठाएंगे, उसमें भी पहला चैप्टर वर्णमाला मिलेगा। आदित्य पब्लिकेशन देखेंगे उसमें भी वर्णमाला से स्टार्ट है। तो वर्णमाला पे मैक्सिमम 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा और 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। विराम चिन्ह, इससे भी 1 क्वेश्चन हर साल आए हैं। विराम चिन्ह
मतलब मैक्सिमम 20 विराम चिन्ह हैं और उन्हीं 20 विराम चिन्हों से आपके एक नंबर फिक्स हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, ये याद करने वाला चीज़ नहीं है। आप एक से दो घंटे केवल देखेंगे विराम चिन्ह, विराम चिन्ह पूरा याद हो जाएगा। लिंग, लिंग तो दोस्तों कन्फ्यूजन होता है, हमको भी कन्फ्यूजन होता है, आपको भी कन्फ्यूजन होगा कि निम्न में से कौन पुल्लिंग है, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसमें अक्सर वही क्वेश्चन आते हैं जो अपवाद वाले रहते हैं। तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस आपको रट लेना है। जो क्वेश्चन हर साल रिपीट हुए हैं, जो क्वेश्चन अपवाद स्वरूप हैं, उसको रट लेना है। ये रही आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी लिंग के लिए। वचन, वचन में भी आपको पता है कि जैसे दही दे देगा, दही मतलब लिंग में होता है, दही लिंग और किताब हो गया, इस तरह के जो होते हैं ये लिंग में आते हैं। लेकिन वचन में, वचन में पूछ लेता है कि जैसे गाय, अब गाय इसका बहुवचन बनाएं, फिर किताब, किताब का बहुवचन बनाएं, लड़की, लड़की का बहुवचन बनाएं, तो कहीं कहीं बस ये मात्रा होता है, कहीं कहीं इसका मात्रा होता है, तो यही सब ध्यान देने होती है बातें। तो वचन भी आपका एक से दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम, पर्यायवाची, ये तो समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसको तो आपको रटना पड़ेगा। कोई भी टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे, आपको आएगा वही जो आप रट पाएंगे। तो ये आपको खुद रटना है, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जैसे पवन हो गया, पावन हो गया, दे देगा, मान लीजिए दे दिया पवन पावन, अब ऑप्शन चार रहेगा। तो पहला ऑप्शन रहेगा जैसे पवन का हवा हो गया, दूसरा ऑप्शन दे मारुत, उसी में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में क्या रहेगा, बी ऑप्शन में रहेगा दोस्तों हवा और पवित्र, तो ऐसे चार ऑप्शन रहेंगे। तो आपको जानना है पवन मतलब क्या होता है, पवन मतलब होता है हवा, पावन मतलब क्या होता है, पवित्र। तो इस तरह से क्वेश्चन जैसे अनल और अनिल, सखा सखी, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अनेकार्थी से बस उसी को पढ़ लेना है। तद्वतत्सम ये भी केवल रटने वाली चीज़ होती है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तद्वतत्सम संस्कृत के शब्द जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं तत्सम होते हैं, और उसका हिंदी रूपांतरण तद्व होता है, देशज जो हम देसी लोकल भाषा में प्रयोग करते हैं देशज होता है, आगत जो विदेशी भाषा से ली जाती है विदेशज होते हैं, आगत होते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी आपको पता ही है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है आप जान रहे होंगे, अंतज हो गया, अंडज हो गया, दत्तक हो गया, इस तरह के शब्द अनेक शब्दों के एक शब्द कहे जाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय जो पहले लगता है उपसर्ग, जो बाद में लगता है प्रत्यय, ये भी क्यों रटने वाली चीज़। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली जरूरत होती है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा यूट्यूब पे, या तो मेरे द्वारा जब क्लास आएगा तब भी आप देख सकते हैं। वाक्य त्रुटि, वाक्य त्रुटि भी आपको पता रहना चाहिए, जैसे पूजनी कहीं लिखा जाता है, सन्यासी लिखा जाता है, कवित्री लिखा जाता है, उसके बाद कोमलांगी लिखा जाता है, कौशल्या लिखा जाता है, तो ऐसे ऐसे शब्द जिसका मात्रात्मक त्रुटियाँ होती हैं उसको आपको ध्यान देना है। फिर समास, तो मतलब दोस्तों ये जो है टोटल, अब इनमें से अगर निकाला जाए कि कौन कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको नोट डाउन हम कर दे रहे हैं, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों ज़्यादा आपको फोकस करना है समास, समास से मात्र एक क्वेश्चन आते हैं लेकिन फंसा हुआ क्वेश्चन होते हैं। फिर रचना और लेखक, इससे आपके तीन से चार क्वेश्चन बनेंगे। फिर गद्यांश, गद्यांश से चार से पांच क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वाच्य, वाच्य से एक से दो क्वेश्चन। अव्यय, अव्यय से एक क्वेश्चन। काल, बस ये वैसे टॉपिक है दोस्त जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मेन फोकस आपका इस पे रहना चाहिए। पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप जो भी शुरू के आसान चैप्टर होते हैं रटने वाले उसको आप पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।